साहब शुक्रिया। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर खान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी खान साहब, आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? जी दुआएं आपकी, शुक्र अल्लाह का। मैं काफी अर्सा से आपका प्रोग्राम सुनता हूँ, बड़ी मालूमाती बातें मिलती हैं, लेकिन आपसे गुजारिश है, मैं दलील के साथ, सबूत के साथ, आपकी अहमदी किताबों के हवाले देकर साबित कर सकता हूँ कि ये अंग्रेज हमारे लिए, क्या लफ्ज इस्तेमाल करूँ, कुआं खोदा था। खान साहब, आप मुझे इजाज़त दें, मैं एक चीज़ अर्ज़ करना चाहता हूँ, फिर आप अपना सवाल कीजिएगा। हमें बड़ी खुशी होती है, आप ज़रूर फ़ोन किया करें। आप जब भी फ़ोन करते हैं, हमने कभी भी आपको सवाल पूछने से रोका नहीं, कोई ममानियत नहीं है, आप ज़रूर सवाल करें। मेरी दरख्वास्त आपसे ये है कि आप हवाला पेश करके एक मुअय्यन सवाल पूछा करें, और हम अमूमन ये होता है कि हम आपके हवालों से सवाल ढूंढ के फिर आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो आप ज़रूर, अब भी मेरी दरख्वास्त है, आप मुअय्यन हवाला पेश कीजिए और एक मुअय्यन सवाल पेश करें, और इंशाल्लाह आपके सवाल का हम जवाब देंगे। जी खान साहब, अब आप फरमाएं। आपको जी खान साहब, तो आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप मेरी बिहाफ ऑफ, अंग्रेजी का लफ्ज है बिहाफ ऑफ, मेरी तरफ से नाजरीन को, सामीन को खुद पढ़कर सुना दें। ये हो सकता है आप पढ़ दें, मैं चुप होकर सुनता रहूंगा, टीवी पे आपकी चेहरा देखता रहूंगा। खान साहब, आप सवाल पूछें पहले, फिर हम उसका जवाब देंगे। आप पूछें कि आप क्या जानना चाहते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि मिर्जा साहब ने खुद एडमिट किया है कि मैं कौन हूँ। मेरी तरफ क्या है? खान साहब दोबारा रिपीट कर दें, मिर्जा साहब ने क्या फरमाया कि मैं क्या हूँ? मैं आपका आदमी हूँ, आई एम वन ऑफ यू, आई एम हियर टू हेल्प यू। अच्छा, तो आपकी किताब में यार, मैं काफी अर्सा से बात करता हूँ, आप उस पर से ध्यान ही देते। ठीक है खान साहब, हम तो हमेशा आपकी बात बड़ी मोहब्बत से सुनते हैं, आपके सवाल का जवाब भी देते हैं। अब आप हवाला दे दें। वो जरूर देखें, नेट पर रूहानी खजाना जिल्द 1350, ये पढ़िए, सुना लोगों को। बताएं खान साहब, रूहानी खजाइन 13 कौन सी जिल्द? खान साहब 13 जी, इसके सफा 350। 350 जी। खान साहब आप फरमाएं क्या लिखा है इस हवाले में, आप मेरी बात मानेंगे फिर? चलो मैं पढ़ दूं या आप पढ़ेंगे? नहीं आप सुनाएं। खान साहब आप पढ़ दें, कोई बात नहीं। नहीं आप पढ़ के सुनाएं, मेरे कादियानी भाई सुनकर खुश होंगे। खान साहब आप पढ़ें, मैं अर्ज कर रहा हूँ, आप हवाला पढ़ें और उससे जो आप नतीजा अखज करते हैं वो पेश करें और अपना सवाल करें। आपने एक रंग में कर ही दिया, वो आप पेश करें हवाला। अच्छा मैं फिर पढ़ता हूँ। मेरी उम्र 18 साल है, मिर्जा साहब कहते हैं मेरी 18 साल की तालीफात से जाहिर है सब जया और बर्बाद ना हो जाएं। ये उनसे क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गुजारिश करते हैं अंग्रेजों से कि मैंने 18 साल में जो किताबें लिखी है ये जया हो जाएंगी, तो मैंने 50 अलमारियां भर दी हैं। हालांकि उन्होंने किताबें लिखी थी 86, 50 अलमारियां भरी जाती हैं, 1000 किताब या 1500 किताब हो गए, तो मिर्जा साहब ने कुल लिखी थी 86। आप में से बहुत लोग 83 बताते हैं, लेकिन मुझे पता है 86 थी। आगे मैं पढ़ता हूँ, सुनते जाइए जरा। खान साहब आप हवाला पढ़ें ना, सवाल पूरा हवाला पढ़ें वो। हेलो सुनेंगे या नहीं? सवाल आप अपना सवाल बयान करें, तशरीह बेशक नहीं, वो तो हवाला आपने बताया, उसका जो सवाल है वो आप बता दें मुअय्यन लफ्जों में, ताकि आपकी खिदमत में जवाब पेश किया जा सके। मेरे सवाल ये है कि रूहानी खजान जिल्द 13 सफा 350 आप लोगों को पढ़कर सुनाएं। ठीक है खान साहब, आपने अभी पेश किया है कि 50 अलमारियां भर दी, उससे क्या आप बात बयान करना चाहते हैं? आपका उस इस्तेदलाल के आपका सवाल क्या है? मैं बड़ी मोहब्बत से आपसे पूछता हूँ, उसे गुजारिश है कि वो खुद देखें। हेलो जी खान साहब, मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ, आपने हवाला पढ़ा कि 50 अलमारियाँ भर दी मैंने, और इससे आपने ये नतीजा अखज़ किया है कि जो मैं समझाऊँ कि मिर्ज़ा साहब ये कहते हैं कि मैं अंग्रेज़ों का ही एक खुद काश्ता पौधा हूँ, आपके हक़ में बोलता हूँ, तो क्या यही आपका सवाल है खान साहब? आपको पता चलेगा, आप खुद पढ़ेंगे।
खान साहब, आप बताएं ना, क्या यही आपका सवाल है? मेरा जो मेरी गुजारिश है, सवाल मेरा कि आप खुद पढ़कर सुना दें। रूहानी साहब, आप पढ़ें हवाला, आप आए हैं, आप सवाल पूछेंगे तो आप हवाला पढ़ें। असल हवाला पेश करें। हवाले के बगैर, खान साहब हवाले के बगैर भी आप अपना सवाल पेश कर सकते हैं। बराए मेहरबानी आप अपना सवाल मुअय्यन अल्फाज में बयान फरमा दें ताकि हम उसको समझ कर उसके अपनी इस्तेताअत के मुताबिक आपको जवाब दे सकें। ओके ओके। अच्छा, मेरा ये सवाल है, अकीम नूरुद्दीन का मिर्ज़ा साहब को दावा नसीहत में मशवरा देना। खान साहब, अब आपने बिल्कुल ही कुछ और बात शुरू कर दी है, तो अब तो वो सवाल ही नहीं रहा आपका। अब आप, यही मैं अर्ज करता हूँ, आप ज़रूर आया करें प्रोग्राम में, लेकिन कोई एक मुअय्यन सवाल पेश करें ताकि उसके ऊपर हम बात करें। तो मेरा दूसरी बात शुरू कर दी है। हम ना आपकी 50 अलमारियों वाली बात पर जवाब ले लेते हैं। वासित साहब, ये अमूमन इतराज़ होता है कि मिर्ज़ा साहब ने ख़ुद लिखा है कि मैंने 50 अलमारियाँ भर दी अंग्रेज़ों के हक़ में बातें लिखी है, तो इस हवाले से बता दें। ये पहले भी बहुत दफ़ा सवाल हो चुका है और बहुत दफ़ा इसका जवाब दिया जा चुका है। सवालों के मतलब मैं समझता हूँ कि इस सवाल को एक तरफ रखते हुए, आमतौर पर ये जो हमारा राह खुदा का प्रोग्राम है, खुदा तआला के फल से बड़ा कामयाब प्रोग्राम है। उसकी कामयाबी की वजह आपके सवालात हैं, सवालात की वजह से ये प्रोग्राम कामयाब होता है और सब हमारे मकबूल जो प्रोग्राम है उनमें ये शुमार होता है सवालों की वजह से। लेकिन सवालों के साथ ये भी मैं समझता हूँ कि एक आम बात है कि हुस्नु सवाल निसफुल अकल, अच्छा सवाल जो है उससे इंसान की अकल का पता चलता है और उसकी सोच का अंदाज़ा होता है। तो बहरहाल हमें खुशी है कि आप दिलचस्पी लेते हैं इस प्रोग्राम में, और आपका सवाल जो है वो अंग्रेज़ों के मतलब मैं समझता हूँ कि बड़ा आपको ये दुख और सदमा पहुँचता है कि अंग्रेज़ों ने एक शख्स को खड़ा किया और उसने अंग्रेज़ों की तारीफ़ कर दी और इस तरह से इस्लाम मुसलमानों की जो मुखालफत है, मुसलमान जो मुखालफत उसकी कर रहे थे उसमें कामयाबी नहीं हुई। पहली बात तो इसमें मेरा ख्याल है, मैं ये अर्ज़ करूँगा आपसे बड़े अदब और एहतराम से कि क्या खुदा ताला की ताकत ज़्यादा है या अंग्रेज़ की ताकत ज़्यादा है? अगर खुदा ताला की ताकत ज़्यादा हो तो वो शख्स जिसने ये कहा था कि मुझे खुदा ने खड़ा किया है, वो शख्स जिसने ये कहा था कि खुदा मेरी ताईद पे खड़ा है, वो शख्स जिसने ये कहा था कि मेरा नाम दुनिया में चारों तरफ फैल जाएगा, वो शख्स जिसकी मुखालफत हर तरफ से की गई, वो शख्स जिसकी उलमा ने मुखालफत की, जिस हर सियासी लिहाज से मुखालफत की गई, मजहबी लिहाज से मुखालफत की गई, वो अपने मकासद में, अपनी बातों में अल्लाह ताला की मदद से वो कामयाब हुआ या अंग्रेज़ की मदद से? मैं समझता हूँ वो शख्स जो ये समझता है कि अंग्रेज़ की मदद से मिर्ज़ा साहब कामयाब हो गए या अंग्रेज़ों ने मिर्ज़ा साहब को खड़ा किया था, वो यकीनन खुदा ताला से अंग्रेज़ को ज़्यादा ताकतवर समझता है। ये ख्याल, ये ईमान, ये जो है ये आपको मुबारक हो। हम ये समझते हैं कि हज़रत मिर्ज़ा साहब ने जो बात की, अगर आप सच्चे थे तो खुदा आपकी ताईद पर था, अगर आप सच्चे नहीं थे तो आपको, खान साहब आपको या किसी और को मुखालफत की ज़रूरत ही नहीं थी। झूठे को उसका झूठ ले डूबता है, झूठे की तबाही के लिए उसका झूठ काफ़ी होता है, ख़ास तौर पे जब वो खुदा ताला को गवाह बना के कहता है, खुदा ताला की तरफ बात को मंसूब करके कहता है। तो ये बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। तो लेकिन आप अब तक ये कहते चले आ रहे हैं कि खुदा ताला तो उस खुदा ताला ने इसको बात को क्या कहेंगे कि छोड़ दिया, लेकिन अंग्रेज़ की ताकत की वजह से मिर्ज़ा साहब को कामयाबी हासिल हो गई, क्या आप यही कहना चाहते हैं? मेरा ख्याल है कि आपका एतकाद ये नहीं है, दिल में शायद आप यही समझते होंगे, लेकिन आपका एतकाद ये नहीं हो सकता। किस तरह ये एतकाद हो सकता है कि अंग्रेज़ ज़्यादा ताकतवर है? अंग्रेज़ की क्या ताकत थी खुदा ताला के मुकाबले में? अंग्रेज़ तो खुद सिमट के कहीं से कितनी ताकत थी और कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और अब उनको और मुश्किलात पेश आ रही हैं। तो ये खुदा ताला की ताईद थी, मिर्ज़ा साहब ने जो लिखा सच की ताईद में लिखा, हक की ताईद में लिखा। मिर्ज़ा साहब ने सिखा शाही में जो मजालम हो रहे थे उनके ख़िलाफ़ लिखा। अंग्रेज़ों की हुकूमत में जिस तरह बाकी लोगों को इंसाफ नज़र आया, मिर्ज़ा साहब को भी इंसाफ नज़र आया, आपने इंसाफ के मतलब इंसाफ की ताईद में लिखा।